I think that India as a global player really is a Vishwaguru of the world. And this is what we also have feel in Ukraine by actually fighting for the values. Ukraine ke minister yahan pe hain Emin Zaparova. Inki Sanjay Verma, Secretary West. Ministry of External Affairs se inki meeting hogi. How do you see India importing energy from Russia? I mean, look, we are not in the position of instructing India in their economic ties with other countries. India slips China and Pakistan fixes G20 meeting in Srinagar. Jis tarah dharti maa ke faisle kiye, saude kiye, Pakistani qaum ke muh se nawale nikalne aur Pakistani qaum ki tazyeeq aur Pakistani qaum ko jis nahj pe pahuncha diye, karobar yahan pe khatam kar diya gaya, izzat-e-nafs yahan pe maar di gayi. Dusri unhone baat ki Indian army ki, ke Indian army jo hai ye hai wo hai pata nahi kya kya hai. Indian army ka to pata chal gaya tha 2019 mein जब 27 फरवरी को जब इनके जहाज जो है रात के अंधेरे में पाकिस्तान में आए थे. सैसल जी, आप ये बात मत भूले कि न्यूक्लियर पावर आप भी और न्यूक्लियर पावर हम भी हैं, और पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है. कंपैरिजन की तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि आप लोग का तो लेवल ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान के बारे में बात कर सको. और आप क्या बात कर रहे हो कि नहीं इंडियन आर्मी है क्या? डू आई नीड टू प्रूव माई इंडियन आर्मी इन फ्रंट ऑफ यू? आई मीन, मुझे आपके सामने अपने हिंदुस्तान की आर्मी को प्रूव करना है? हु आर यू? हो कौन आप? लोगों को मकरूज दर मकरूज करने के बजाय आज एक आटे के तहले के पीछे जिस तरह कौम की माओ बहनों बेटी और बुजुर्गों के साथ जो किलवाड़ हो रहा है वो तो पूरी कौम के सामने है. हमें वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंडियन आर्मी जो है वो हमें पता है. इंडियन आर्मी जो कुछ भी है वो हमें पता है. इंडियन आर्मी का पता है, इमरान खान वाली सरकार थोड़ी है यहाँ पे, ये मोदी है. मोदी हमें ऐसे घुमाता है अपने इशारों पे, ऐसे वीडियो में ना वो तो लेट मी फिनिश. पीस के बारे में फेसबुक पे पोस्ट करने से और फिर जंग का ऐलान करने से पीस हो जाता है. आपके दिमाग के कोने कोने में रग रग में भरा है कि आपने लड़ना है. नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन के मिनिस्टर भारत आई हुई है, और भारत आकर के उन्होंने भारत के काफी सारे मिनिस्टर्स ऑफिशियल से भी मुलाकात की है. इसी दौरान उनका इंटरव्यू भी हम सबके सामने आया है, जहां वे भारत को विश्व गुरु कहकर पुकार रहे हैं. और उनका कहना है कि भारत का जिस तरह का एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, जिससे भारत अपने फॉरेन पॉलिसी से बताता है कि कोई भी दूसरा देश भारत को नहीं बता सकता है कि वह क्या करे और क्या ना करे. भारत अपनी मर्जी के मुताबिक अपने काम करता है, और ये एक विश्वगुरु बनने की कैरेक्टरिस्टिक है. और यूक्रेन के पास भी कोई अधिकार नहीं है वह भारत को लेक्चर दे कि भारत को क्या करना चाहिए यूक्रेन और रशिया के मैटर पर. और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और यूक्रेन ही एक ऐसे देश है जो कभी भी दूसरे देश पर अटैक नहीं किए हैं. इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनका भारत को किया गया दौरा काफी इंस्पायरिंग रहा है, प्रोफेशनली और पर्सनली भी. और आपको जानकर हैरानी होगी कि वे 7 बार भारत का डिस्ट्रिक्ट उत्तरपति भी आ चुकी है, जो कि एक आध्यात्मिक जगह है. तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया में क्या बात हो रही है उसे सुनते हैं. कश्मीर आज भी एक, जैसे आपने फैसल भाई ने कहा, मसला बना हुआ है. लेकिन मसला है क्या, आज तक कभी ये समझ नहीं पाए. आप फैसल भाई अगर हमें समझा सकते हैं तो प्लीज, मसला है क्या? पहले तो ये समझना चाहिए कि वो मसला बना क्यों है. मैंने पहले भी यही बात की है कि जो यूएन की करारदाद थी ना, अगर उनके मुताबिक, उसके मुताबिक जो यूएन के जो मुआहदा था या उसके मुताबिक अगर इसको उसी टाइम 1948 में या 47 में अगर इसको कर दिया जाता, हल कर दिया जाता यूएन की करारदादों के मुताबिक, तो ये मसला ना होता. वहां पे यही इनको, कश्मीरियों को उनका हक दिया गया था कि वो अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, इंडिया के साथ रहना चाहें, या एक आजाद रियासत में रहना चाहें, तो वो उनका हक था, जो कि इंडिया ने उनको हक ही नहीं दिया. तो इसलिए जो है कश्मीर बेसिकली मसला बना है. तो अभी तक जो है उसी मसले पे, फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उस मसले पे जंगें भी हुई, फिर ये सारा जो जितने भी कंफ्लिक्ट हुए और ये सारी चीजें उसकी वजह से. दूसरी उन्होंने बात की इंडियन आर्मी की, कि इंडियन आर्मी जो है ये है वो है पता नहीं क्या क्या है. इंडियन आर्मी का तो पता चल गया था 2019 में जब 27 फरवरी को जब इनके जहाज जो है रात के अंधेरे में पाकिस्तान में आए थे, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह दिन के उजाले में जो है इनके 2 जहाजों को मार गिराया था. और इन बेचारों को तो ये भी पता नहीं था, इन्होंने अपने जहाजों को मारा, इन्होंने अपने जहाज खुद की भी खुद भी गिराए. इन्होंने एक हेलीकॉप्टर जो है
वहां पे खुद भी गिरा दिया, इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर खुद गिराया। इंडियन आर्मी का तो उसी दिन पता चल गया था 27 फरवरी 2019 को कि इंडियन आर्मी में या इंडियन के फिजाइया में क्या है, जब हमने उनका वो एक पायलट पकड़ा, वो क्या नाम था उसका, अभिनंदन को। तो वो तो चलो इमरान खान की खैर से गाली थी कि इमरान खान ने जो है अभिनंदन को वापस कर दिया था, ठीक है। इंडियन आर्मी कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो है ये जहां पे पंखे आके देना के हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इंशाल्लाह कुछ नहीं कर सकते। हमारे 313 इंशाल्लाह आपके 1000 रुपए भारी पड़ेंगे, और ये हमारा ईमान भी है। फैसल जी, आप ये बात मत भूले कि न्यूक्लियर पावर आप भी और न्यूक्लियर पावर हम भी हैं, और पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है, कंपैरिजन की तो बात बनती ही नहीं है, क्योंकि आप लोग का तो लेवल ही नहीं है कि आप हिंदुस्तान के बारे में बात कर सको। और व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी, डू यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन कश्मीर? जो चीजें सरकार नहीं कर रही है वो इंडियन आर्मी प्रोवाइड कर रही है। First of all, na, just go and na, take some knowledge from books and all other websites. और आप क्या बात कर रहे हो कि नहीं इंडियन आर्मी है क्या? Do I need to prove my Indian army in front of you? I mean, मुझे आपके सामने अपने हिंदुस्तान की आर्मी को प्रूव करना है? Who are you? हो कौन आप? Tell me one thing, आप हो कौन? आप क्या बात कर रहे हो? Do I need to prove you? कि नहीं मेरे हिंदुस्तान की आर्मी ये कर रही है। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पहले नॉलेज की जरूरत है, आप जाके थोड़ा पढ़ लिख के आए, उसके बाद मेरे साथ डिबेट में आए। मैंने ये नहीं कहा कि आप जो है वो इंडियन आर्मी को, आप मुझे बताएं कि इंडियन आर्मी क्या, आप बता रही थी इंडियन आर्मी ये है, इंडियन आर्मी वो है, इंडियन आर्मी। मैं क्या, इंडियन आर्मी को तो पता चल गया था 2019 में, इंडियन आर्मी का पता चल गया था, इंडियन आर्मी क्या थी हमें 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 बताने की जरूरत नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। नॉट एन मसला कश्मीर, कोई भी मसला नहीं है। एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट कि यूएन ने ये कहा? यार भाई पहले हिस्ट्री पढ़ो, फर्स्ट गो थ्रू कि हिस्ट्री कहती क्या है, उसके बाद आप कश्मीर को मसला बोलो या कश्मीर की आर्मी या इंडियन आर्मी के बारे में बात करो। ओके, हमें तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंडियन आर्मी जो है वो हमें पता है, इंडियन आर्मी कुछ जो कुछ भी है वो हमें पता है, इंडियन आर्मी का पता है। इमरान खान वाली सरकार थोड़ी है यहाँ पे, ये मोदी है, मोदी हमें ऐसे घुमाता है अपने इशारों पे ऐसे वीडियो में ना वो तो। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा भी कश्मीर पे ही है। अभी मैंने देखा कि आप कुछ दिनों पहले अपनी साइड वाले कश्मीर पे भी गए थे आप, जिसे हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, आप आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद कश्मीर। वहां पर वहां पर आपने लोगों से बातचीत की, वहां पर आपने लोगों का लोगों के मुद्दे समझने की कोशिश की, उनका दुख समझने की कोशिश की, पूरी दुनिया को दिखाया आपने। सिर्फ मैं इंडिया को नहीं कहूंगा, आपने पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को वो चीज दिखाई। आपको क्या लगता है कि आप उस टूर से जब वापस लौटे तो क्या आपको ये महसूस हुआ कि नहीं पाकिस्तान की तरफ से उन्हें पूरे हकूक दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपका। आपने बोला था आप इसका आंसर आपको कोई बेहतर लगे दीजिए, नहीं तो ना दीजिए, तो आप बताएं मैं दूं या ना दूं। नहीं, अगर मैं जाऊं तो आपने अपने वीडियोस में जो आंसर दिया था वो आप आंसर दे सकते हैं, जो आपने उनसे बात करते हुए। ये एक मैंने वैसे ही बात की है, मैं बिल्कुल मुझे पता है कि क्या बात करनी है, कितना क्या किस तरीके से बात करनी है। मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो मैंने इंटरव्यूज किए हैं, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आप वो इंटरव्यूज ही देख लें वहां के लोग क्या कह रहे हैं। बेचारे वो कह रहे हैं कि हमारी बिजली, मतलब कश्मीर में बिजली बनती है वो लाहौर में आ जाती है, वो कश्मीर में नहीं आती, कश्मीर में लकड़ी है, दरख्त है, वो यहाँ पे आ जाते हैं, वहां पे वो नहीं यूज होते, उन्हें ये इश्यूज हैं। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बोलूं बहुत ईमानदारी के साथ कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं सच बोलूं तो वो इंडिया को लेकर भी अपनी सोच पॉजिटिव नहीं रखते। ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है मैं वो बता रहा हूं, आप कोई भी जो देख रहा है वो एग्री डिसएग्री कर सकता है,